हाय, गुड मॉर्निंग माय लिटिल चैम्प। आई होप यू आर फाइन। दिस इज नवरत्न और आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का एक बेसिक लेक्चर देने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है ना, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। मींस आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक में कौन कौन से मतलब चीज़ें हमें पढ़नी है और उसमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फॉर द इंग्लिश। अगर हमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए इंग्लिश होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, इजी हो जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो CBSE है या जो स्टेट बोर्ड्स हैं या जो अदर बोर्ड्स हैं, वो अपना सिलेबस कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जिसमें से CBSE ने तो डिक्रीज ही कर दिया है, जिससे कि मैंने आपको एक लेक्चर इसके ऊपर दिया भी है। तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। वो लेक्चर बेसिकली रिलेटेड किससे, आपके सिलेबस से है, कि कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं, कौन सी चीज़ों को कितना कम कर दिया गया है, वो सारी चीज़ें उस सिलेबस में बता दिया गया है। और आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। अब एक चीज़ याद रखना कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि हाउ टू प्रिपेयर अवर इंग्लिश क्लास। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ बने रहना है। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी। और ये मेरी गारंटी है कि आपकी जो इंग्लिश है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं जितना पढ़ाऊंगा आप इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको जा रहा हूँ आज एक बेसिक क्लास देने के लिए। जो ये बेसिक क्लास है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसके बाद एक क्लास मैं और दूंगा बेसिक का, और वो जो बेसिकली रिलेटेड होगा सेंटेंसेस से होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंसेस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, जब आप टेंसेस पढ़ते हो, जब आप वॉइसेस पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं उसका एक अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या होता है, रोल होता है। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना, एकदम कॉन्स्टेंट होके प्रॉपर तरीके से इस लेक्चर को देखना है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोशिश ये करिएगा कि इस शेयर लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसी के साथ मैं लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लुक, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, व्हाट इंग्लिश, सो इंग्लिश इज नथिंग, बेसिकली इट इज अ लैंग्वेज। व्हाट इट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द अल्फाबेट। ये जो लैंग्वेज है ना, वो किससे बना है, अल्फाबेट से बना हुआ है। अल्फाबेट कुछ नहीं होता है, ए टू जेड जो आपके टोटल लेटर्स होते हैं ना, इन्हीं का ये क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है, एक ग्रुप होता है। आई बात समझ में? मीन्स इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे बना, अल्फाबेट से बना। अल्फाबेट क्या होता है, ए टू जेड जो आपका पूरा ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। और अल्फाबेट को एक नाम से और भी जानते हैं, जिसका नाम होता है क्या, लेटर्स। क्या, लेटर्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि जो अल्फ़ाबेट है, ये तो होते हैं टोटल 26। देर आर 26 लेटर्स, मीन्स वो आपको पता है। अब इसमें देखते हैं, इसको हम फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट वन इज वाउल एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट। ओके, फर्स्ट वन इज वाउल एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट। वाउल में क्या क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड कॉन्सोनेंट आपके रिमेनिंग जो बच गए, बी सी डी, ऐसे आपके जो रिमेनिंग बच जाएंगे। तो वाउल आपके कितने हो गए, 5, एंड कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, 21। तो ये बात आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके बाद अगला बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है। तो याद रखना, आप अल्फाबेट के बाद जो पढ़ोगे ना, वो पढ़ोगे आप वर्ड। क्या पढ़ोगे, वर्ड। अब ये वर्ड क्या होता है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा, आप अल्फाबेट को मिलाओ और उसका एक आपस में क्या निकले, कंप्लीट मीनिंग निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। मीन्स आप इसको बोल सकते हो कि अ कंप्लीट कंप्लीट
मीनिंग, अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ यूनिट ऑफ लेटर्स। मतलब देखो समझना, जब हम बात करते हैं यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? ग्रुप, समझ गए? तो ये यूनिट किसका बन रहा है? लेटर का बन रहा है। किसका? लेटर का। मीन्स लेटर की जब आप एक यूनिट बनाओगे और वो जो यूनिट बनेगा और उस यूनिट का एक क्या निकले? कंप्लीट मीनिंग। मीन्स वी नीड टू कंप्लीट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर्स। सो उसी को ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यू कैन सी, इफ यू एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, योर नेम, व्हाट इज योर नेम बेटा? प्रीति। वाओ, नाइस नेम प्रीति। सो प्रीति इज ऑल्सो अ वर्ड। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो अ वर्ड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैंडसम, हैंडसम, सो हैंडसम इज ऑल्सो अ वर्ड। आई होप यू हैव गॉट इट माई पॉइंट। वॉट इज अ वर्ड? वर्ड बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड अ वर्ड। सो वन थिंग कीप इन योर माइंड, इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे जो स्मॉलेस्ट वर्ड होता है वो आपका होता है एक ए और आई। वाई? बिकॉज ये अपने आप में क्या रखते हैं? एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। कैसी मीनिंग रखते हैं? एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी इज सॉरी आर ए एंड आई। नाउ मूव ऑन द फर्दर। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर वर्ड किस टाइप के हो सकते हैं? तो याद रखना, जो आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं ना, दीज ऑल फॉर्म्स इन कैटेगरी ऑफ कैटेगरी ऑफ वर्ड। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वो किसके कैटेगरी में आते हैं? वर्ड के कैटेगरी में आते हैं। मींस अगर आपके सामने कोई भी वर्ड लिखा होगा ना, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक होगा। सपोज यू आर गोइंग टू एनीवेयर एंड इफ यू आर वॉचिंग द होर्डिंग एंड इफ यू आर वॉचिंग द मूवी एंड इफ यू आर वॉचिंग इफ यू आर रीडिंग योर न्यूज पेपर, यू आर स्टडिंग योर बुक्स, सो देयर मस्ट बी सम वर्ड्स। और वो जो वर्ड्स होंगे ना, वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक होगा। जैसे आपका नाम है, तो आपका नाम है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या हो गया? नाउन हो गया। इंडिया है, इंडिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो अ नाउन। इफ यू एम टॉकिंग अबाउट हैंडसम, सो हैंडसम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये भी एक अपने आप में क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट इट माई पॉइंट। जैसे ये मार्कर है, मार्कर इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, आई एम टीचिंग, सो आई इज अ हियर प्रोनाउन, आई एम इज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग इज अ मेन वर्ब। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर बेसिकली एट टाइप्स। और लेकिन इसमें एक चीज को हम और भी ऐड करते हैं, एंड दिस इज आर्टिकल। ये क्या होता है? आर्टिकल होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन को हम क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, नेमिंग वर्ड्स। कोई भी नाम वाला चीज दुनिया का, वो क्या होता है? आपका नाउन होता है। जैसे आपका नाम है, आपके आसपास में जितनी भी चीजें होंगी सब नाउन है। प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स, किसको रिप्लेस करेगा? वेरी गुड, नाउन को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेसिंग वर्ड्स। जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, दे है, दीज आर प्रोनाउन्स। इसके बाद अगला आपका क्या होता है? एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव। ये बेसिकली क्या होता है? क्वालिफाइंग वर्ड होता है, क्वालिफाइंग वर्ड्स। किसको ये क्वालिफाई करेंगे? बेसिकली दीज क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। अच्छा, इसको बहुत सारे बच्चे एडजेक्टिव पढ़ते, एडजेक्टिव नहीं होता। याद रखना, जब आप कभी भी ए लिखते हो और जे लिखते हो, ए और जे के बीच में जब डी आता है ना, तो ये बेसिकली क्या होता है? साइलेंट होता है। तो इसको एजे ऐसे पढ़ेंगे, एजे 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 पढ़ेंगे, मतलब एडी नहीं पढ़ेंगे, एडजे नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा एडवर्ब, एडवर्ब, अब इसको यहां बोलना पड़ेगा आपको एडवर्ब, एडवर्ब। लेकिन अगर हम बात करें, यहां डी आपको बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैंने आपसे बोला एडजॉइन, मैंने क्या बोला? एडजॉइंट, एडजॉइंट। तो एजॉइंट, इसको अजॉइंट बोलेंगे ना कि एडजॉइंट बोलेंगे, एजॉइंट।
जैसे एक वर्ड और होता एडजेसेंट होता है, ए डी जे यू सी एन टी, एडजेसेंट होगा। यहां आपको डी प्रोनंसिएट नहीं करना है, तो याद रखना जब भी डी ए और जे के बीच में आता है तो यू नीड नॉट टू प्रोनंसिएट दिस डी, दैट्स व्हाई वी नीड टू से एडजेक्टिव, व्हाट एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडवर्ब, अब नाउ लुक, एडवर्ब भी क्या करता है, क्वालिफाइंग वर्ड्स होता है, बट बेसिकली ये क्वालिफाई किसको करेगा, वर्ब, एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ। ओके, ये वर्ब को क्वालिफाई कर देगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा और अपने आप को क्वालिफाई करेगा। ये नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहां पे एक चीज और आपको समझना है, ये वर्ब है या वर्ब है, यहां पे आपको एक चीज ये भी बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, ये वर्ब होता है या वर्ब होता है, तो याद रखना ये वर्ब होता है, क्या वर्ब, यहां आर क्या है, साइलेंट है। अब इसके लिए एक थोड़ा सा आपको रूल समझना पड़ेगा कि आर किस केस में साइलेंट होगा और किस केस में साइलेंट नहीं होगा। सो नाउ लुक हियर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर, जैसे आपने आर लिखा और आर के पहले अगर कोई वाउल आ रहा है, क्या आ रहा है, वाउल, तो इस केस में आर क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, मतलब आर का प्रोनंसिएशन आपको नहीं करना है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ग्रैमा, ये ग्रैमा, अच्छा बहुत सारे बच्चे इसको ग्रामर पढ़ते, ग्रामर नहीं होता, ग्रैमा क्या होता है, ग्रैमा होता है, मतलब आर यहां साइलेंट है। जैसे आप बोलते हो फादर, फादर नहीं होता, फादर होता है, मतलब यहाँ आर क्या है, साइलेंट है, यहाँ आर क्या है, साइलेंट है। तो वही चीज़ हो रहा है कि आर के पहले अगर वाउल आएगा तो आर क्या होगा, साइलेंट होगा। लेकिन अगर सपोज करो इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि आर के बाद आए, आफ्टर द वॉर इफ वाउल्स कम, सो इन दिस केस आर मस्ट हैव टू प्रोनंसिएट, मीन्स यहाँ पे आर का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोनंसिएशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहे हो आप ग्रह, ग्रह यहाँ आर आप बोल लो, ये आपको बोलना पड़ेगा ग्रामर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पे ये है प्रनाउन, तो आर आपको बोलना पड़ रहा है इस केस में, बोल रहे हो नहीं बोल रहे, प्रनाउन, तो आर यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, आर यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, यहाँ आर नहीं बोलना पड़ रहा। तो याद रखना आर के पहले अगर वाउल आता है तो वी नीड नॉट टू प्रोनंसिएट आर, बट व्हेन आफ्टर द आर वाउल कम्स वी नीड टू प्रोनंसिएट दैट आर, मीन्स उस आर को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोनंसिएट करना पड़ेगा। आई थिंक यू हैव गॉट इट माई पॉइंट्स। नाउ वी आर कमिंग वर्ब, वर्ब बेसिकली क्या शो करता है, वर्ब शोज पोजेशन, एक्शंस एंड रिलेशंस। ओके, जो वर्ब होता है बेसिकली ये तीन चीजें शो करता है, वर्ब ऑलवेज शोज एक्शन, पोजेशन, रिलेशंस, और यू कैन से दैट स्टेटमेंट। आई होप यू हैव गॉट इट माई पॉइंट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन, कंजंक्शन बेसिकली इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स। ओके, यू कैन से दैट ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स में जैसे एंड आता है, और आता है, आइडर आता है, नाइडर आता है। ओके, दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कंजंक्शंस इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स। नेक्स्ट पोर्शन यू कैन सी, योर नेक्स्ट पोर्शन इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, इफ यू आर टॉक इंटरजेक्शन, वन मिनट, ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस क्या होता है, इंटरजेक्शंस कुछ नहीं होते हैं, बेसिकली दीज शो सडन फीलिंग। ओके, दीज वर्ड शोज सडन फीलिंग्स लाइक हुर्रा, वाव, व्हाट, हाय, हाउ। ओके, दीज आर इंटरजेक्शंस। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशन, नेक्स्ट वन इज योर प्रपोजिशंस। ओके, प्रपोजिशंस आपको पता ही है,
टू शो रिलेशन। ओके, ये बेसिकली एक वर्ड का दूसरे वर्ड के कंपेयर में क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। सो दीज आर योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी वर्ड लिखा होगा तो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक होता। रिमेनिंग यू नो वेरी वेल अबाउट द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड एंड द। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर टेंस इसमें आता है क्या, नो टेंस नहीं आएगा इसमें। एडवर्ब इसमें आता है, बिल्कुल आ रहा है, देख लो आप, एडवर्ब इसमें आ रहा है। सर इसमें मोडाल्स आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सर इसमें क्या आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नरेशन आ सकता है, वॉइस इज नो, बिल्कुल नहीं आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न। अगला जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका बेसिक एलिमेंट है, दिस इज फ्रेज। व्हाट फ्रेज? सो व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज नथिंग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ओके, ये बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। यहां पे मैंने विदाउट लिख दिया। जो एग्जांपल के तौर पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फादर एंड मदर, दिस इज अ फ्रेज। व्हाट? दिस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट यू कैन टेक एग्जांपल इन माय रूम। What? This is also phrase. How many words are here? Here are 1, 2, 3. And here also 3. You can see that a boy. A boy is also a phrase. Here we can say that these are phrases. I hope you have got it, my points. Okay, now we are going to learn the further basic element. So next one is basically clause. What is a clause? Clause is nothing. It is simple. It is a collection of words. It is a collection of words with subject and verb and it is the part of a sentence. Now look, क्या होता है अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो क्लॉज में क्या होता है, इसमें दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन इज इसमें एक सब्जेक्ट होगा और इसमें एक क्या वर्ब होगा, ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा, बट कहीं ना कहीं ये एक सेंटेंस का क्या होता है, पार्ट होता है। ओके, उसी को ही हम क्या नाम देते हैं, क्लॉज नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे बोलूं आई एम टीचिंग एंड यू आर स्टडिंग। अब नाउ लुक, इसमें क्या है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। सो यू कैन सी हियर, दिस इज सब्जेक्ट वन एंड हियर सब्जेक्ट टू। ओके, दिस वन इज सब्जेक्ट वन एंड दिस वन इज सब्जेक्ट टू। नाउ लुक, यू कैन सी हियर, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। सो यू कैन से डेट दिस इज वर्ब वन एंड यू कैन से डेट दिस इज वर्ब टू। सो हियर this is helping verb, this is main verb, this is helping verb, this is main verb. तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें एक subject और एक verb यहाँ है, इसमें एक subject और एक verb यहाँ है, और conjunction इसमें क्या है, and है। so this is your conjunction और ये इस वाले part को और इस वाले part को जोड़ रहा, तो आप बोल सकते हो this is a clause। ये आपका क्या है, clause है। this is also a clause और ये कौन से clause है, ये coordinate conjunction है, तो आप इसको coordinate clause बोल सकते हो। आई होप यू हैव गॉट इट माई पॉइंट्स। आप डेली इस टाइप के सेंटेंसेस देखते होगे। आई नो वेर
यू लिव, मुझे पता है आप कहाँ रहते हो. दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस एंड इट इज कैटेगराइज इन टू क्लॉजेस. फर्स्ट क्लॉज इज हियर आई नो एंड सेकेंड क्लॉज इज वेयर यू लिव. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉज हम किसे कहते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं जो कि लास्ट है, और वो लास्ट पोर्शन आपका है सेंटेंस. ओके, नाउ लुक. सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट मीनिंग. ओके, दैट मेक कंप्लीट मीनिंग. ये सबको पता है कि सेंटेंस बेसिकली किसे कहते हैं. सेंटेंस यू कैन से दैट अ मीनिंगफुल यूनिट दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ सेंटेंस, और यू कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. लाइक इफ आई एम सेइंग यू आर अ नाइस स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ सेंटेंस. व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई सॉ यू, दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस. ओके, एंड जितना भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में आपको बता दूं. जो बेसिकली सेंटेंस होता है ना, इसमें क्या, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा इसमें वर्ब होता है, इसके बाद यू कैन सी हियर ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट देख सकते हो, यू कैन सी हियर कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो. इट्स डिपेंड अपॉन द सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस. नाउ यू कैन सी हियर एडवर्ब्स. ओके, आप यहां कुछ भी देख सकते हो. एंड लास्ट यू कैन सी फुल स्टॉप, यू कैन सी क्वेश्चन मार्क, एंड यू कैन सी एक्सक्लामेशन मार्क. ये सेंटेंस की खासियत होती है. प्लस इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है. प्लस कलेक्शन ऑफ ये वर्ड होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है. आई होप ये भी सारे बच्चों को पता है, और ये चीज़ तो होती ही होती है जो मैंने आपको बताई है. इसके बाद इसमें कंप्लीट मीनिंग होता है, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट कंप्लीट मीनिंग हम किसी को सेंटेंस नहीं बोल देंगे. ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, यहाँ पे नाउन हो सकता है एंड प्रोनाउन हो सकता है. अब नाउन क्लॉज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वर्ब में कुछ भी हो सकता है. हेल्पिंग वर्ब अगर रहेगा तो इसके साथ मेन वर्ब का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर आपका मेन वर्ब है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है. इसके साथ एक चीज़ और हो सकता है, इसके साथ लिंकिंग वर्ब हो सकता है. क्या लिंकिंग वर्ब हो सकता है? आप एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैंने बोला ही गेव अ पेन. अब देखो ही गेव अ पेन. नाउ लुक, दिस इज सब्जेक्ट, गेव इज मेन वर्ब, अ पेन इज ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ लुक, ही इज राइटिंग अ लेटर. नाउ लुक, ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, इज इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है. ओके, सो दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. इफ आई एम सेइंग ही इज अ स्टूडेंट, सो नाउ लुक हियर, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज योर लिंकिंग वर्ब, जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया, एंड दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट. लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है. तो ये बेसिकली आप सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, और जो मैंने ये बेसिक चीज़ें बताई हैं इसको आप एक से दो बार देखिएगा, और कोशिश करिएगा अभी से आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक अच्छी सी कॉपी आप परचेज करिए मार्केट से, और उसके बाद उसमें एक प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए, और नोट बनाने के साथ आप इसको एक बार दो बार देखिए. अगर वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा लिखने के बाद, तो आप इसी लेक्चर को दो बार तीन बार रिवाइज करके देखिए. इसके बाद एक इसका हम नेक्स्ट पोर्शन लेके आएंगे जो कि बहुत ही सिंपल सा है,
अबाउट द सेंटेंसेस, वो बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा, सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। तो मैं जैसा कि आपको बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास टेंथ में पढ़ रहे हैं, इवन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलेंगी। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है, और कोशिश ये करिए कि जो आपका टारगेट है, जो आपको पढ़ना है, उसको आप प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करिए, माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करें। और इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ, और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने सोसाइटी का ध्यान रखें, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, और हमेशा कूल रहें, काम रहें। मे गॉड ब्लेस यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास टेंथ का जो आपका फर्स्ट बेसिक चैप्टर है उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज आपका क्लास टेंथ का सेकंड बेसिक चैप्टर है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कोशिश करिए, प्रॉपर तरीके से देखिए, और इसको देखने के बाद इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप उसको रिवाइज करिए, बार बार उसको पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ में उसको आप क्रैम मत करिए, रटना नहीं है आपको, समझना है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर चीज़ों को रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसको रटे नहीं, इसको समझें। समझने से कहीं ना कहीं आपकी जो रीजनिंग है, आपकी जो सोचने समझने की प्रक्रिया है, लॉजिकल थिंकिंग है, इट विल बी इनहेंस। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और कोशिश करिएगा कि अगर आपका कोई भी दोस्त 10th क्लास में पढ़ रहा है, या इवन 11th क्लास में है, या 8th क्लास में, या 9th क्लास में है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सारे बच्चों के लिए लगभग हेल्पफुल है, लेकिन बेसिकली इसमें 10th क्लास को मेन टारगेट करके ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस क्या होता है, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो कि सेंटेंस क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, यू कैन टेक एग्जांपल, यू आर अ नाइस बॉय, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, नाउ आई एम टीचिंग टू यू, दीज आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द सेंटेंसेस। और इंग्लिश डिक्शनरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस है वो कौन सा है आपका, गो। गो अपने आप में क्या रखता है, एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। तो ये याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, एंड वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। ओके, बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये लेक्चर आपके लिए। क्यों? अगर आपको सेंटेंस का प्रॉपर टाइप्स पता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है, तो आपके लिए नरेशन सिंपल होगा, टेंसेस सिंपल होगा, वॉइसेस सिंपल होगा, मींस एवरीथिंग शुड बी सिंपल रिगार्डिंग योर इंग्लिश। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सो इसमें फर्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू सी, फर्स्ट वन इज असर्टिव। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस, और यू कैन से दैट डेक्लेरेटिव। ओके, इसका दो नाम है, जैसे आपका भी दो नाम होता है, जैसे मम्मी ने आपका कोई नाम रख दिया, फादर ने आपका कोई नाम रख दिया, सो ऐसे सेम क्या होता है, जो असर्टिव सेंटेंसेस होता है बेसिकली ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट इसको आप बोल सकते हो असर्टिव, एंड सेकेंड वन यू कैन से दैट डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो हियर व्हाट द मीनिंग ऑफ असर्टिव एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ डेक्लेरेटिव। असर्टिव का मतलब होता है कोई भी आप स्टेटमेंट दो सिंपल सा, आप किसी चीज को डिक्लेयर करो सिंपल तरीके से, ये असर्शन या डिक्लेरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ आई एम सेइंग इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो दिस इज एक असर्टिव स्टेटमेंट है, बट इट इज नेगेटिव। इफ आई एम सेइंग द यूएसए इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, सो इस केस में दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बट इट इज नेगेटिव। ये आपका क्या है, नेगेटिव है। सो असर्टिव सेंटेंस में हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टेट
something, or you can say that someone. Okay? ये बात थोड़ा सा याद रखना, मतलब किसी चीज के बारे में आप बताओ या किसी पर्सन के बारे में जब आप कोई चीज स्टेट करते हो ना, दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. और बेसिकली ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव. अब पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब समझते ही हो, प्लस, और नेगेटिव का मतलब माइनस. यहाँ मीनिंग पॉजिटिव होगा, यहाँ मीनिंग नेगेटिव होगा. इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट, देन यू कैन राइट डाउन वर्ब, देन यू कैन राइट डाउन ऑब्जेक्ट. वो अकॉर्डिंग टू नीड आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे अदर वर्ड्स आप लिख सकते हो, व्हाट अदर वर्ड्स ये. और लास्ट में इसके क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट, देन यू कैन से दैट अदर वर्ड्स. इन अदर वर्ड्स यू कैन कंसीडर कॉम्प्लीमेंट, यू कैन कंसीडर एडवर्ब्स. ओके, दीज वर्ड्स कम्स इन फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स. यू कैन टेक एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग ऑल माई स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट. अब नाउ लुक, ये सेंटेंस है, इसमें ऑल माई स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है. आर इसमें क्या है, दिस इज योर लिंकिंग वर्ब. वेरी इंटेलिजेंट, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट. वॉट, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट. और ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है. क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में हम सिंपल सा बता रहे हैं कि हमारे जो छात्र हैं ना वो किस टाइप के हैं. तो हमारे जो छात्र हैं वो कैसे, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं. इसमें हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, माई स्टूडेंट्स, मतलब ऑल माई स्टूडेंट्स के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं. अगर सपोज करो मैं कोई सेंटेंस आपसे निगेटिव बना के लिखूँ, तो मैंने आपका लिखा ऑल माई स्टूडेंट्स Do not pluck the flowers. Okay, तो मैंने क्या लिखा, मेरे जितने भी छात्र हैं ना वो कभी भी क्या नहीं तोड़ते हैं, फ्लावर्स को नहीं तोड़ते हैं. तो इसमें क्या है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसमें क्या एडवर्ब ऑफ निगेशन, प्लक क्या इसमें, दिस इज योर मेन वर्ब, और द फ्लावर्स क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. इसमें भी हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसमें स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है. मींस ये वर्ब जो है ना हमारे स्टूडेंट्स करते ही नहीं, मतलब फ्लास तोड़ने का काम मेरे छात्र नहीं करते, कोई और करता होगा. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्योंकि नरेशन पढ़ोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी. वॉइसेस पढ़ोगे वहाँ पे सारी चीज़ें हेल्प करेंगी. आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी. इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जिसका नाम है आपका क्या, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस. ओके, सो इम्पैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली इसमें हम किसी को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या किसी से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को हम क्या देते हैं, थ्रेट देते हैं, क्या देते हैं, थ्रेट देते हैं, या किसी को हम क्या देते हैं, सजेशन देते हैं, या किसी को हम क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं. ओके, अगर इस टाइप की चीज़ें आपको किसी भी सेंटेंस में मिल रही हैं, तो दीज आर इम्पैरेटिव सेंटेंसेस. और इम्पैरेटिव सेंटेंसेस का बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन वर्ब V1, इसमें V1 सबसे पहले आएगा, देन यू कैन राइट डाउन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, या यू कैन राइट डाउन अदर वर्ड्स. इन अदर वर्ड्स बेसिकली एडवर्ब कम. ओके, क्या आता है, एडवर्ब्स इसमें आता है बेसिकली अदर वर्ड्स में. और यू कैन से राइट लाइक डोंट, आप डोंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो. अगर निगेशन सेंस देना है, रिमेनिंग यही ऊपर वाली सारी चीज़ें होंगी, तो दूसरा स्ट्रक्चर हो गया. एक इसका स्ट्रक्चर आप और भी लिख सकते हो, प्लीज से लिख सकते हो. कैसे, प्लीज उसके बाद V1, प्लीज इसमें याद रखना एडवर्ब होता है. व्हाई, बिकॉज इट्स क्वालिफाई होल सेंटेंसेस, प्लीज जो होता है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है. इसके बाद सेम थिंग्स, यू कैन राइट डाउन V1 और यू कैन राइट डाउन ऑब्जेक्ट. ओके, देन यू कैन राइट डाउन हियर ऑल्सो अदर वर्ड्स, याद रखना अदर वर्ड्स में बार बार आपसे बोल रहा हूँ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल्स लाइक गो
देयर. नाउ लुक दिस इज बी वन. इसमें क्या दे रहे हैं हम, गो देयर ऑर्डर दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं. इसमें क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं. या फिर मैंने बोला प्लीज सेट डाउन, कृपया बैठ जाइए. तो प्लीज इसमें क्या है, एडवर्ब है. और इसमें सिट क्या है, मेन वर्ब है. डाउन इसमें क्या है, दिस इज अगेन एडवर्ब. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. मैंने बोला टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इफ आई एम सेइंग टेक मेडिसिन ऑन टाइम. सो हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बी वन, मेडिसिन इज ऑब्जेक्ट, ऑन टाइम इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम. अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में हमें एडवाइस दिया जा रहा. और ये स्टेटमेंट हमें कौन बोलेगा, ये स्टेटमेंट बेसिकली हमें डॉक्टर्स बोलेंगे या केमिस्ट बोलेंगे. सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट का नहीं यूज नहीं करते हैं. सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, अंडरस्टूड होता है. यू इसमें हिडन है. अगर सपोज करो यहाँ पे यू लगा दोगे ना, तो सीधा कौन सा सेंटेंस बनेगा, वो बन जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा. मींस यू गो देयर, यू गो देयर का मतलब आप जाइए. और इसके बाद यू सिट डाउन प्लीज, तो इसका मतलब होगा कृपया आप बैठ जाइए. और इसमें मैंने लिखा यू टेक केयर, सॉरी यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आप मेडिसिन टाइम से लेते हो. तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम यू का यूज नहीं करते हैं. अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसके बाद हम थर्ड टाइप्स पे चलते हैं. और थर्ड टाइप्स बहुत ही सिंपल है, जो आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, जिसका नाम क्या है, गौर से देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, नाम से समझ में आ रहा है, टू आस्क क्वेश्चंस. इसमें हम क्या पूछेंगे, किसी से क्वेश्चंस पूछेंगे. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, बेसिकली दीज आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज ओपन एंड, इसमें हमें आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ता है. सेकेंड वन इज योर क्लोज एंड, जिसमें हमें आंसर को हमेशा यस या नो में देना होता है. मीन्स यहाँ आंसर यस में दिया जाएगा या इसमें नो दिया जाएगा. ओपन एंड में आंसर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और ओपन एंड हमेशा याद रखना WH फैमिली से स्टार्ट होता है. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. इसके बाद आप कुछ भी लिखो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है. क्लोज एंड में क्या होगा, फर्स्ट यू राइट डाउन हेल्पिंग वर्ब, देन यू हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट, देन यू हैव टू राइट डाउन मेन वर्ब, देन यू हैव टू राइट डाउन वट एवर इज रिक्वायर्ड. एट लास्ट यू कैन पुट हियर ऑब्जेक्ट, यू कैन पुट हियर कॉम्प्लीमेंट, यू कैन पुट हियर एडवर्ब. ओके, और लास्ट में तो आपका क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा. तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं. ओपन एंड में आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इफ आई एम सेइंग व्हाट इज योर नेम, सो आपको बोलना पड़ेगा माय नेम इज मिस्टर राहुल. इफ आई एम सेइंग आर यू फाइन, तो इस केस में आपको क्या बोलना पड़ेगा, यस या नो. मैं बोलूँ वाई आर यू स्टडिंग हियर, मतलब तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ कम्फर्ट प्लेस, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग टू हियर फॉर द स्टडी. तो आप उस केस में एक्सप्लेन करोगे. अगर मैं आपसे बोलूँ आर यू सिटिंग देयर, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो बोलोगे उस केस में. तो याद रखना ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए. अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख सकता हूं व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आंसर क्या होगा, दिस इज अ मार्कर. अब देखो आपने असर्टिव सेंटेंस लिख दिया और इसको आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया. मैं बोलूं व्हाट इज दिस, बताओ बेटा क्या है, मोहित, हाँ वेरी गुड, मार्कर. ओके, अगर मैं बोलूं इज दिस, मैंने क्या बोला, इज दिस अ मार्कर, क्या ये मार्कर है, तो आप क्या बोलोगे, ज्यादा ज्यादा आप क्या बोलोगे, यस, या आप क्या बोलोगे, नो. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. और जो आपका अगला टाइप है ना,
वो बेसिकली अगला टाइप है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों की, सर ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, आप इसको बस प्रॉपर तरीके से सुनिएगा। मैंने बोला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके, नाम से समझ में आ रहा है, एक टर्म्स आपने सुना होगा एक्सक्लामेट। एक्सक्लामेट का मतलब होता है किसी भी चीज को सडन शो करना, ओके, जैसे वाओ दिस इज अ नाइस कार, व्हाट अ वंडरफुल कार दिस इज, ये आप सडन फीलिंग को शो कर रहे हो, ओ माय गॉड आई गॉट इट या आई हर्ट, ओके, तो ये आपका क्या है, सडन फीलिंग शो कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। मींस इसमें क्या होता है, टू शो सडन, टू शो सडन फीलिंग ऑफ जॉय, जॉय का हो सकता है, सैडनेस का हो सकता है, मतलब दुखी हो सकते हो आप, इसके बाद रिग्रेट का हो सकता है, सॉरी फॉर कन्वीनियंस आपने सुना होगा जरूर, तो वो रिग्रेट ही होता है, ई टी सी। तो इसके अलावा भी और भी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस व्हाट से स्टार्ट होते हैं या हाउ से स्टार्ट होते हैं, याद रखना। इसके बाद अब व्हाट और हाउ का थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको आर्टिकल लगाना है। क्या लगाया आपने, व्हाट, और उसके बाद आपने लगाया आर्टिकल, इसके बाद यहां आपको एडजेक्टिव लिखना है, देन यू नीड टू राइट डाउन नाउन, देन यू कैन राइट डाउन हियर वर्ब, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा आप लिख सकते हो, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होता है हाउ वाले केस में, याद रखना व्हाट वाला केस ये चलता है, हाउ वाले केस में क्या लगाएंगे, फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन एडजेक्टिव, याद रखना अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्ब आ जाएगा एडजेक्टिव के पहले, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल, आर्टिकल, देन वी नीड टू राइट डाउन नाउन या प्रोनाउन, जो भी चीजें दी होंगी, उसके बाद वर्ब हो गया, लास्ट में यू नीड टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक स्ट्रक्चर और इसका याद कर लो, इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड्स यहां आ सकता है, इसके बाद यहां एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इसके बाद यहां सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद यहां वर्ब आएगा, आगे कुछ भी दिया हो लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। अब देखो जरा, मैं तीनों के एक एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं। मैंने लिखा व्हाट अ नाइस कार दिस इज, ओके, अब देख लो जरा, व्हाट आया, तो व्हाट के बाद क्या आ रहा, आर्टिकल आ रहा, नाइस क्या एडजेक्टिव है, कार क्या है, नाउन है, इसके अलावा कुछ भी बीच में लगा लो, इंडिकेट करने के लिए हमने दिस लगा दिया, इसको ही तरफ ये थोड़ा इंफेसाइज कर रहा है, और इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, वर्ब लगा दिया। अब सपोज करो मैं हाउ से इसको बनाऊं, तो मैं कैसे लिखूंगा, हाउ वंडरफुल आकार दिस इज। अब इस केस में क्या हुआ, हमें आर्टिकल को क्या करना पड़ा, सीधा नाउन के पहले लगाना पड़ा, इस केस में क्या था, हमें एडजेक्टिव के पहले लिखना पड़ रहा था, लेकिन याद रखना दोनों केसेस में जो आर्टिकल काम कर रहा है इट्स वर्क्स फॉर द नाउन, ये नाउन के लिए काम कर रहा। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हो, हुर्रा वी ओन द, या वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच। अब देखो इसमें ध्यान से, हुर्रा इसमें क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है, हुर्रा हुआ, हाँ हाय होता है, या फाय होता है, या फिर इसके अलावा जो आपका होता है वाओ, या फिर इसके होता हे, समझ गए, इसके अलावा बहुत सारे हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, हुर्रा हुआ, हुर्रे हुआ, ये तो होते ही होते हैं। सो इसके बाद हमें क्या लगाना है,
एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना, जैसा आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ लगा दिया है। इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद जो भी वर्ब आगे आगे जो भी चीज़ें दिया गया है। तो ये भी होता है जब कभी कभी आप मैच खेलते हो और लास्ट बॉल पे सिक्स चाहिए तो आप कैसे बोलते हो, लास्ट बॉल पे सिक्स भी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा आप क्या होते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी अपने आप में शो करते हो। तो उस केस में आप कौन सा सेंटेंस बोलते हो, यू हैव टू स्पीक एट दैट टाइम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, लास्ट आपका है और वो लास्ट आपका है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, नाम से समझ में आ रहा है, इच्छा सूचक वाक्य हिंदी में इसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को, अपने विश को, अपने डिजायर को क्या करते हैं, किसी के सामने शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो आप इसको बोल सकते हो टू शो विश, ग्रीट, डिजायर, ओके ईटीसी। अब इसमें कैसे सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपसे बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैंने क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन। तो गुड नाइट भी क्या है, अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन, ओके हैप्पी बर्थडे, ओके। ये भी अपने आप में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैंने बोला यू कम कम, अरे यू कम कम नहीं, यू आर वेलकम, ओके। तो यहां पे लिखते हो क्या, वेलकम वेलकम। ये भी अपने आप के में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। गो टू हेल, ओके गो टू हेल, मतलब आप इसमें कर्स भी दे सकते हो, ओके इसमें आप क्या दे सकते हो, कर्स भी दे सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अब यहीं पे आपका जो सेकंड बेसिक क्लास है क्लास टेंथ का वो होता है ख़त्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा टेंसेस, ओके टेंसेस को पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको उसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करिएगा ताकि उनको भी पता चले, उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और आप इस वीडियो को एक नहीं दो बार, तीन बार, चार बार देखिए और प्लीज़ इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। क्यों, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ। सो अब मैं इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ। सो स्टे ट्यून, मे गॉड ब्लेस यू। अपना केयर करो, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, नेशन के प्रति लॉयल रहो। इसी के साथ मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, बाय बाय, सी यू। ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ऑप्टेटिव।